नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये दो मित्र और एक भालू की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। वीडियो के अंत में भालू ने ऐसी 17 बातें बताई हैं जो इस संसार के लिए बहुत बुरी होती हैं, हर इंसान के जीवन में बहुत बुरी होती हैं। जो इंसान, जो बंदा इन 17 चीजों के साथ मित्रता करता है या उनसे लगाव रखता है, तो उसका जीवन नरक से भी बदतर होता है और वो उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, ये 17 बातें ऐसी हैं, इनको हर इंसान को अपने जीवन में संजोग के रखना चाहिए और हर इंसान को इन 17 बातों पे हमेशा अमल करते रहना चाहिए। बड़ी अनमोल 17 बातें ऐसी बताई है भालू ने इस वीडियो के अंत में। प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो और आप उसका फायदा उठा सकें। कहानियां जो होती हैं हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देती हैं, हमें गलत कार्य करने से रोकती हैं, हमारे जीवन को सुखमयी बनाने के लिए हमें अच्छी ढेर सारी प्रेरणाएं देती हैं। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन समय से चलती आ रही हैं और प्राचीन समय से ये लोगों को प्रेरणाएं देती आ रही हैं। इसलिए कहानी को हमेशा पूरी सुना करें ताकि उसका सहारा आपको समझ में आ जाए। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल में दो मित्र रहते थे और दो मित्रों में ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि एक दूसरे के हर सुख दुख में काम आया करते थे। लेकिन दोनों मित्र बेरोजगार थे। अब दोनों मित्रों के पास में कोई रोजगार नहीं था, लेकिन मित्रता उनकी बहुत घनिष्ठ थी। एक का नाम नल और एक का नाम नील था। दोनों नल और नील के नाम से जाने जाते थे। दोनों मित्रों में ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि दुनिया मिसाल देती थी। लेकिन समय का कोई पता नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जब वक्त आता है तभी ही मित्रता की असली परख की जा सकती है। वैसे तो हर कोई मित्र बन जाता है, लेकिन समय आने पर ही मित्रता की परख होती है। इसी के चलते दोनों मित्र एक दिन रोजगार की तलाश में दूसरे शहर जाने का निर्णय लेते हैं। जब दूसरे शहर जाने के लिए रवाना होते हैं तो उनको एक घनघोर जंगल को पार करना पड़ता था। बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक एक जंगल रास्ते में पड़ता था। अब दोनों मित्रों को उसी जंगल से जाना था। दोनों मित्र उस जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल की हरियाली और सुंदरता को देखकर दोनों मित्र बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि आगे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। जैसे ही वो थोड़े आगे और बढ़ते हैं तो वो देखते हैं सामने एक ब्लैक कलर का, काला कलर का भालू उनकी तरफ गुर्राता हुआ आ रहा है। भालू को देखकर और दोनों मित्र बड़े डर जाते हैं। दोनों मित्रों में से नल नाम का जो मित्र था वो वृक्ष में चढ़ना जानता था और जो नील नाम का मित्र था वो वृक्ष में नहीं चढ़ना जानता था। जैसे भालू उनकी तरफ बढ़ता है तो वो नल नाम का जो मित्र था वो वृक्ष में चढ़ जाता है और नील नाम का नीचे रह जाता है। नील अपने मित्र नल से कहता है कि भाई मेरी सहायता करो, आप तो वृक्ष में चढ़ गए हो, मुझे वृक्ष में चढ़ना नहीं आता है, आप मेरी सहायता करो अन्यथा ये भालू मेरे प्राण ले लेगा। नल वृक्ष में चढ़कर कहता है कि भाई मैं अब नीचे नहीं आ सकता, यदि मैं नीचे आऊंगा तो आपके साथ भालू मुझे भी खा जाएगा। नल अपने मित्र से कहता, अरे नील, तू तो बड़ा धोखेबाज निकला है। वो बार बार उसे विनती करता और बार बार उसे रिक्वेस्ट करता, रे भाई मेरे प्राण बचा ले। लेकिन नल वृक्ष पे चढ़ के बैठ जाता है और अपने मित्र की सहायता करने से इनकार कर देता है। अब नील को बड़ा डर लगने लगता है। वो सोचने लगता है कि आज मैं इस भालू के हाथों मारा जाऊंगा, आज मेरा बचना नामुमकिन है। प्रिय दर्शकों, जब कोई व्यक्ति ऐसी मुसीबत में आता है तो वो सब कुछ सोचने लग जाता है, न जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में शुरू हो जाते हैं। नल भी इसी तरीके से अपने मन मस्तिष्क में ऐसे ऐसे ख्याल लाने लगा कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।
प्रिय दर्शकों, अंत में नल के दिमाग में एक उपाय आता है जो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। बड़े बुजुर्गों से यह सुना था, यदि भालू किसी इंसान के सामने आ जाए और वो इंसान मृत होने का ढोंग करे तो भालू उसे नहीं खाता है। बड़े बुजुर्गों से इस तरह की भालू की कहानी नल ने सुन रखी थी। नल उसी कहानी की बातों पर अमल करता है। नल अब जमीन में लेट जाता है और मृत व्यक्ति की तरह पड़ जाता है। अपनी सांसों को रोक लेता है, अपनी धड़कनों को रोक लेता है। जैसे भालू उसके नजदीक आता है तो भालू उसको सूंघने लगता है। वो भालू बड़ा समझदार था। भालू एक भगवान का भक्त था। प्रिय दर्शकों, वो जो भालू था वो नरबक्सी नहीं था, लेकिन भय के कारण नल अब जमीन पे सो गया था और एक मृत व्यक्ति की तरह पड़ गया। अपनी सांसों को बंद कर ली। जैसे ही भालू नल के पास में आता है और उसको सूंघने लगता है, सूंघते हुए पूरे बदन को सूंघता है। अंत में जाकर के भालू नल के कान की तरफ जाता है और नल के कान को सूंघता है और नल के कान में कुछ कहता है। भालू नल के कान में कहता है कि ये जो तुम्हारा मित्र है ये बड़ा धोखेबाज है। ऐसी मित्रता का कोई फायदा नहीं होता जो वक्त आने पर धोखा दे दे। ऐसे मित्र से तो अकेला रहना बेहतर होता है। सबसे पहली बात भालू नल के कान में कहता है कि ऐसी 17 चीजें बुरी हैं। इन 17 चीजों को जो बंदा अपनाता है, जो इंसान अपनाता है, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। भालू कहता है कि सबसे पहली बात, टूट्योड़ी खाट बुरी। जिस घर में टूट्योड़ी खाट होती है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। तो पहली बात भालू बताता है कि टूट्योड़ी खाट बुरी। दूसरी बात, गंजा की टाट बुरी। जो आदमी गंजा हो जाता है, जिसके सर के बाल निकल जाते हैं, उसकी शोभा ही खत्म हो जाती है। जवान आदमी भी बुजुर्ग लगने लगता है, इसलिए गंजा की टाट बुरी। हमारे दर्शकों में किसी भाई के सर पे बाल नहीं है और वो गंजा हो चुका है तो वो नाराज ना होना, क्योंकि ये भालू की बताई हुई ऐसी 17 बातें हैं जो आप लोग तक हम छोटी सी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात भालू बताता है कि शुभ काम में नाट बुरी। यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई नाट कर दे यानी मना कर दे तो वो अशुभ होता है। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य के लिए जाए तो उसमें नाट नहीं होनी चाहिए। तो भालू ने तीसरी बात बताई है कि शुभ काम में नाट बुरी। चौथी बात, भाइयों की आंट बुरी। हमारे जो भाई होते हैं यदि वो किसी काम में आंट लगा देते हैं तो वो आंट बहुत बुरी होती है। संसार की आंट को हम लड़ झगड़ के निकाल देते हैं और निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमारे सगे भाई आंट लगा दे तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल सही कहा है कि भाइयों की आंट बुरी। पांचवी बात, पुलिस की डांट बुरी। प्रिय दर्शकों, पुलिस की डांट भी बुरी होती है। यदि कोई भले आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाए तो उस मोहल्ले में उसकी इज्जत ही गिर जाती है। यदि किसी के घर भी पुलिस आ जाती है तो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि फला इंसान ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसके कारण उसके घर पे पुलिस आई है। और यदि पुलिस यदि आपको घर से बाहर निकालकर डांट देती है, लाठी वगैरह मार देती है, तो आपकी इज्जत का ही सत्यानाश हो जाता है। तो पांचवी बात बताई है कि पुलिस की डांट बुरी। छठी बात, होटल की चाट बुरी। जिस इंसान को, स्त्री हो या पुरुष, जिसको होटल की चाट खाने का शौक लग जाता है, प्रिय दर्शकों, यह बड़ा खतरनाक होता है। अनंत प्रकार की बीमारियां उस होटल की चाट खाने वाले व्यक्ति के शरीर में हो जाती हैं और उसका शौक इतना बुरा होता है कि वो कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए होटल की चाट बुरी। सातवीं बात, कहे विक्रम सुनो बेताल, एक दगाबाज की बाट बुरी। दगाबाज की बाट बहुत बुरी होती है। यदि आप किसी दगाबाज का इंतजार करते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए कभी भी किसी दगाबाज की इंतजार करना बहुत बेकार होता है।
तो सातवीं बात बताई है कि दगाबाज की बाट बुरी। कभी बाट मत जोहना, यदि कोई दगाबाज है तो उसकी कभी बाट मत जोहना। आठवीं बात, खेत में गेली बुरी। खेत में यानी रास्ता बुरा होता है। यदि आप खेत के अंदर रास्ता बना देते हैं, गेली बना देते हैं, तो आपका खेत का ही सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए खेत में गेली बुरी। पड़ोस में हेली बुरी, यानी पड़ोस में यदि कोई ऐसी महिला है जो चरित्रहीन है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरीके से यदि आपकी पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जो पूरे मोहल्ले को खराब कर दे, इसलिए कहा है कि पड़ोस में हेली बुरी। दसवीं बात, बाबा जी के चेली बुरी। जो बाबा जी बन जाते हैं, जो बाबा जी हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, अपने आप को संत कहलवाते हैं, भगवा चोला धारण करते हैं, और वो लोग यदि चेली रखते हैं तो वो लोग संत नहीं हो सकते, बाबा जी नहीं हो सकते, वो स्वार्थी हैं, इसलिए बाबा जी की कभी चेली नहीं होनी चाहिए। तो कहा है कि बाबा जी के चेली बुरी। ग्यारहवीं बात, ठेका की थैली बुरी। यदि किसी इंसान को शराब पीने का शौक लग जाता है तो उसका घर भी पूरा बर्बाद हो जाता है। जिस इंसान को ठेका पे जाने की आदत हो जाती है और वो शराब का आदि हो जाता है, तो प्रिय दर्शकों, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ग्यारहवीं बात में कहा है कि ठेका की थैली बुरी। बारहवीं बात, पणगट पर नहानो बुरो। पणगट पर नहानो बुरो, यानी पणगट पर स्नान करना बहुत बुरा होता है, अशुभ होता है। तेरहवीं बात, आदमी काणो बुरो। प्रिय दर्शकों, आदमी यदि आदमी की एक आंख खराब हो जाती है तो प्रिय दर्शकों, हर आदमी उसको बुरा मानता है, उसके नाम से उसको कोई नहीं बुलाता, उसको हमेशा काणा कहकर ही बुलाते हैं। इसलिए भगवान ना करे किसी को ऐसी सजा दें, इसलिए कहा है कि आदमी काणो बुरो। बात नंबर 14, परदेश में कमाणो बुरो। जो लोग परदेश में कमाते हैं वो भी खतरनाक ही होता है, क्योंकि घर परिवार वाले, बीवी बच्चे हमेशा उनकी इंतजार करते रहते हैं, और वो लोग परदेश में कमाते रहते हैं, वहां पे उनकी साल संभाल लेने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए आप चाहे बिजनेस छोटा करो, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस करें, लेकिन अपने घर के आसपास करो। यदि आप विदेश में, परदेश में जाके करते हैं तो वो भी खतरनाक ही होता है। यदि आप विदेश और परदेश में जाते हैं तो अपने से परिवार सहित जाए तो बहुत बेटर होता है। पंद्रहवीं बात, नजदीक में थानो बुरो। यदि आपके घर के आजू बाजू में पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, तो ये भी बड़ा खतरनाक होता है। आपकी छोटी छोटी बातों पर पुलिस वालों की नजर होती है और आए दिन पुलिस वाले आपके घर के आजू बाजू घूमते रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कहा है कि नजदीक में थानो बुरो। यदि आपके घर परिवार में छोटी मोटी भी लड़ाई होती है तो तुरंत पुलिस आ जाती है, इसलिए नजदीक में थाना होना भी बहुत बुरा होता है। 16 नंबर बात, बिना राग गानो बुरो। जो लोग बिगर राग गाते हैं वो भी बुरा होता है, क्योंकि इंसान को हमेशा राग में गाना चाहिए, सुर में गाना चाहिए। जो बेताल और बेसुर गाते हैं उनकी कोई गायकी नहीं होती है, इसलिए बिना राग गानो बुरो। बात नंबर 17, बिना मान आनो बुरो और जानो बुरो। यदि किसी जगह पे, किसी रिश्तेदार में, किसी के घर पे आपका मान सम्मान नहीं है, तो ऐसी जगह पे वहां जाना भी बुरा है और आना भी बुरा है। इसलिए ऐसी जगह पे कभी मत जाओ जहां आपका मान सम्मान नहीं हो। तो इसलिए बात नंबर 17 में सही कहा है कि बिना मान आनो बुरो और जानो बुरो। भालू ये 17 बात नल के कान में कहता है और भालू वहां से चले जाता है। उसके बाद नील वृक्ष से नीचे उतर करके आता है और नील कहता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए। उसके बाद नल जमीन से खड़ा होता है और अपने मित्र से कहता है कि हां भाई, भगवान का शुक्र है
कि मैं बच गया। लेकिन नल फिर पूछता है कि भालू इतनी देर से तुम्हारे कान में ऐसा क्या कह रहा था और भालू ने तुम्हें खाया क्यों नहीं? ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने, मुझे बताइए। नल अपने मित्र नील से कहता है कि भालू मेरे कान में ये कह के गया है कि दगेबाज की दोस्ती हमेशा खतरनाक साबित होती है, दगेबाज की बांट बुरी, कभी भी दगेबाज की दोस्ती मत करो और तुम दगेबाज हो। भालू ने मुझे ऐसी 17 ज्ञान की बात बताई है और जिन पे मैं हमेशा अमल करूंगा। नल का मित्र वो 17 बात जानने की कोशिश करता है और कहता कि मित्र मुझे भी वो 17 बात सिखाइए। लेकिन नल अपने मित्र नील को वो 17 बात नहीं बताता है, वो सिर्फ इतनी ही बताता है कि भालू ने मुझे यही बताया है, यही सिखाया है कि दगेबाज की मित्रता हमेशा खतरनाक साबित होती है, दगेबाज मित्र पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, उससे बेहतर तो ये होता है कि उसकी मित्रता ही तोड़ दो, उसके साथ उठना बैठना छोड़ दो। जो व्यक्ति वक्त आने पर आपको दगा दे दे, ऐसी मित्रता का कोई फायदा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, दोनों मित्र अलग अलग हो जाते हैं। नल अपने मित्र नील से मित्रता तोड़ लेता है और अपना जीवन स्वयं अपनी मर्जी से जीने लगता है, उसका जीवन बड़ा सुखमयी होता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हम उम्मीद करते हैं कि इन 17 बातों से आप जरूर प्रेरणा लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।